बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा जख्मी हो गए हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते समय गलती से उनके घुटने में गोली लग गई। वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनके पैर से गोली निकाल दी गई है। ये घटना मंगलवार सुबह 4:45 के आसपास की है। गोविंदा फिलहाल आईसीयू में है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल की ओर से अभी इस घटना को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। गोविंदा के परिवार का कहना है कि वो जल्द ही इस बारे में बयान जारी करेंगे। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। वो केस में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर रख रहे थे कि तभी उनके हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गई और गोली उनके पैर में लग गई। डॉक्टर ने अब गोविंदा के पैर से गोली निकाल ली है और उनकी हालत ठीक है। वो अभी अस्पताल में ही है। इस घटना के समय गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा मुंबई में नहीं थी। वो अब मुंबई लौट रही है। उन्हें बता दिया गया है कि अगले 2 घंटे में उन्हें मुंबई पहुंच जाना चाहिए। गोविंदा की मौजूदा हालत से उन्हें वाकिफ कर दिया गया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी बताया था कि गोविंदा के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई थी जो उनके पैर में जा लगी। गोविंदा बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, गोली उनके घुटनों के पास लगी। उनका इलाज मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल हम तो गोविंदा के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। और आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।